हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे ये केबल डिज़ाइन, जिसको कि आप जेंट स्वेटर, लेडीज स्वेटर या फिर आप ब्लैंकेट्स में यूज़ करिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। आपने देखे होंगे रेडीमेड जो ब्लैंकेट्स वगैरह आते हैं उनमें इस तरीके के केबल्स डिज़ाइन पड़े हुए होते हैं। आप इन्हें या फिर डिफरेंट डिफरेंट चोटी वाला डिज़ाइन या कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस सैम्पल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 37 फंदे लिए हैं टोटल, और ये जो सैम्पल है ये 16 रो में बनकर तैयार होता है। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आपको दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे अभी एक रिपीट ये बनाया हुआ है, तो आप इन्हीं 16 सलाइयों को बार बार बनाते जाएंगे तो आपका पैटर्न बनता जाएगा। तो मैं आपको इसी के ऊपर बनाकर दिखाऊंगी ताकि आप समझ पाएँ कि एक्चुअली में ये दिखेगा कैसे। चलिए फिर बनाते हैं। देखिए हम फर्स्ट रो शुरू करेंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो मैंने ये फंदा स्लिप किया है ये 37 फंदों का डिज़ाइन है, तो मैंने यहाँ पर दो फंदे और एक्स्ट्रा लिए हैं जो कि हमारे एज स्टिचेस का काम करेंगे। अगर आप इस डिज़ाइन को सेंटर में बना रहे हो या फिर स्लीव्स में बना रहे हो तो आप 37 फंदे ही लीजिएगा, आप ये एज स्टिचेस मत इंक्लूड कीजिए। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहला फंदा स्लिप किया, तो जो डिज़ाइन पैटर्न है वो हमारा स्लिप करने के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है। तो दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरीके से, देखिए इसके बाद धागा पीछे कीजिए और 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो ये देखिए 8 फंदे सीधे बनाते हुए इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये हम फर्स्ट रो बना रहे हैं। ये देखिए 8 फंदे हमने बना लिए सीधे यहाँ पे। इसके बाद धागा आगे लाइए और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे कीजिए, 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे सीधे बनाने के बाद में थ्रेड आगे लाइए, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर थ्रेड पीछे कीजिए, अगेन 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए 3, 4, 5 और ये 6। देखिए फिर धागा आगे लाइए, 2 फंदे उल्टे बनाइए, धागा पीछे करिए। अब हम 8 फंदे जो हैं सीधे बनाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 फंदे सीधे बनाने के बाद में देखिए क्या करना है, धागा आगे लाइए, 2 फंदे उल्टे बनाइए, ये देखिए आप धागा पीछे करिए और ये एज वाला फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे। तो देखिए सेकंड रो या फिर रॉन्ग साइड की जो भी रोज होंगी तो उसमें हमें क्या करना है, जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं उनको एज इट इज़ बनाना है। तो देखिए पहला फंदा तो हम हर बार स्लिप करेंगे, चाहे हम सीधी तरफ से बनाएं या फिर उल्टी तरफ से। तो देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद में यहाँ पे फंदे हमें सीधे दिखेंगे तो हम उसको सीधा बनाएंगे इस तरीके से आगे से नेटल डालते हुए। इसके बाद धागा आगे लाइए, फिर हमें 8 फंदे जो हैं उल्टे दिखेंगे, तो ये देखिए हम इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही इस रो में या रॉन्ग साइड की जो भी रोज होंगी उसमें यही करना है, सीधे फंदों को सीधा बनाना है, उल्टे फंदों को उल्टा बनाना है। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए रो 3 अब हम बनाने जा रहे हैं। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब देखिए क्या करना, धागे को पीछे कीजिए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रो में 8 फंदे सीधे बनाए थे, तो उसमें से हम 4 फंदे को इस तरीके से स्लिप करेंगे,
फिर ये जो आप यहाँ पर पहले दो फंदे देख रहे हैं, ये और ये वाले, उसको लेफ्ट नेडल से पीछे की तरफ से डालेंगे। देखिए, दोनों फंदों को लेफ्ट नेडल पे चढ़ा लेंगे पीछे करते हुए, फिर राइट नेडल से बाकी के दोनों फंदे चढ़ा लेंगे। तो आपको जो है ये इस तरीके से दिखेगा, देखिए ऐसा दिखेगा। फिर राइट नेडल के फंदों को भी लेफ्ट नेडल में ही चढ़ाकर चारों फंदों को सीधा बना दीजिए। देखिए, दो, तीन और ये चार, ठीक है, ये हो गया। अब ये चार फंदे जो दिख रहे हैं नेक्स्ट वाले, इन चारों को स्लिप कीजिए। फिर पहले दो फंदे जो दिख रहे हैं इनको हम आगे चढ़ाएंगे और बाद वाले फंदों को देखिए इस तरीके से ले लेंगे। बाद वाले फंदे हैं वो हमने राइट नीडल में लिए, पहले वाले दो फंदों को लेफ्ट नीडल में लिया। अब राइट वाले दो फंदों को लेफ्ट वाले फंदों में वापस चढ़ा के सीधा बना दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ आपको। देखिए, जब हम धागे जो फंदे होते हैं उनको अगर हम पीछे करके चढ़ाते हैं या फिर, तो वो जो टर्न होता है वो हमारा राइट साइड की तरफ जाता है, और अगर हम फंदों को आगे की तरफ लेकर केबल बनाते हैं तो वो टर्न हमारा लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। तो ये था, ये देखिए। अब दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, धागा पीछे करिए, छह फंदे सीधे बनाएंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः। देखिए, छः फंदे सीधे बनाने के बाद में धागा आगे लाइए। एक फंदा जो सेंटर में है, दोनों ये और ये यहाँ पे छः छः फंदे हैं तो उसके बीच में है, फिर धागा आगे ला पीछे लाकर दूसरे भी छः फंदे सीधे बना लीजिए। ये देखिए हो गया। फिर धागा आगे लाइए, हमें उल्टे फंदे दिखेंगे। जब आप फर्स्ट रो सेकेंड रो बना लेंगे तो आपका पैटर्न इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, सेम ये हमने दो फंदे उल्टे बना लिए, चार फंदे यहाँ पे हमें एज इट इज़ करना है जैसे हमने यहाँ पे किया था इस वाले यहाँ पे केबल में। तो चार फंदे स्लिप करिए, देखिए लेफ्ट नेडल से पहले दो फंदों को पीछे से चढ़ाएंगे बैक साइड में, फिर राइट नेडल से बाद वाले दो फंदे जो हैं उनको चढ़ा लेंगे। तो हमको ये इस तरीके से दिखेगा। फिर दोनों राइट नेडल के फंदों को लेफ्ट में ही चढ़ाकर चारों फंदों को सीधा बना दीजिए। देखिए, दो, तीन और ये चार। फिर दूसरे चार ये फंदे हैं, इनको स्लिप करा। अब जो आपकी लेफ्ट नेडल है उसको आगे लाइए और पहले दो फंदों को आगे लाकर होल्ड कर लीजिए और राइट नीडल से बाद वाले दोनों फंदों को आप चढ़ा लीजिए। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप केबल नेडल या फिर कुछ सेफ्टी पिन वगैरह यूज़ कर लीजिए। वापस से राइट नीडल के फंदों को लेफ्ट में चढ़ाकर हम सीधा बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से बना लेंगे। फिर धागा आगे लाइए, दो फंदे उल्टे बनाइए, धागा पीछे कीजिए और एज वाला फंदा सीधा बना दिए। तो ये जो थी हमारी रो नंबर थ्री थी, तो मैं रो नंबर फोर बना लेती हूँ। देखिए, रो फाइव बनाएंगे तो उसके लिए पहला फंदा स्लिप किया, दो फंदे उल्टे बनाइए इस तरह से। ये देखिए, दो फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे कीजिए और आठ फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये आठ। तो देखिए, हमने यहाँ पर आठ फंदे ये सीधे बना लिए। फिर धागा आगे लाइए, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, इसके बाद में देखिए क्या करना है। अब हमारे पास यहाँ पर ये छः फंदे जो हैं ये दिख रहे हैं, इन छः फंदों को हम स्लिप करेंगे।
देखिए छह फंदे स्लिप कर लिए। तो देखिए अब आप लेफ्ट नेडल से, लेफ्ट नेडल को छह वही फंदे हैं उनको आगे, लेफ्ट नेडल को आगे लाइए और पहले तीन फंदे लेफ्ट नेडल में चढ़ा लीजिए इस तरीके से। देखिए फिर राइट नेडल से बाद वाले तीनों फंदों को चढ़ा लीजिए इस तरीके से। देखिए इसके बाद में राइट नीडल के तीनों फंदों को वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा दीजिए। फिर इन छह फंदों को एक देखिए सीधा बनाते हुए कंप्लीट कीजिए इस तरीके से। देखिए ये देखिए यहाँ पे हमने इसको बना लिया। अब इस सेंटर में देखिए इधर उधर दोनों तरफ छह फंदे थे, सेंटर में हमारे पास ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे कर दीजिए। तो अभी जो हमने किया था यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये जो सेंटर में हमने टर्निंग की थी, जो केबल बनाई थी, इसको सामने की तरफ रखा था। अब हम जो छह फंदे स्लिप करेंगे उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट नीडल से पहले तीन फंदे लीजिए और पीछे होल्ड कर लीजिए, फिर राइट नीडल से बाद वाले तीन फंदे लीजिए, फ्रंट में देखिए आपको इस तरीके से दिख रहा है, राइट वाले फंदे वापस से चढ़ा दीजिए यहाँ पर लेफ्ट नीडल में। इसके बाद ये जो छह फंदे हैं इनको हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। ये देखिए तो हमें ये अभी आपको ये इस तरीके से दिख रहा है। फिर धागा आगे लाइए, दोनों फंदे उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे ले जाइए और ये जो आपको आठ फंदे दिखेंगे यहाँ पे उनको हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देखिए आठ फंदे हमने सीधे बना लिए, फिर धागा आगे लाइए, दो फंदों हैं इनको उल्टा बना लीजिए और एज वाला फंदा धागा पीछे ले जाकर सीधा बना देंगे। तो मैं ये जो थी हमारी रो नंबर फिफ्थ थी, देखिए रो सेवन में पहला फंदा हमने स्लिप किया हुआ है, इसके बाद में दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे ले जाइए। अब हम फिर से यहाँ पर जो आठ फंदे हैं यहाँ पर हम केबल बनाएंगे, तो चार फंदों को स्लिप कीजिए, ये देखिए इस तरह से स्लिप किया हमने। ये देखिए आप लेफ्ट नीडल से पहले दो फंदों को पीछे चढ़ा लीजिए, होल्ड कीजिए, राइट नीडल से बाद वाले दो फंदे, तो हमको ये इस तरीके से देखिए दिखेगा। फिर वापस से लेफ्ट नीडल में ही इन दोनों फंदों को आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद में चारों फंदों को हम सीधा बना लेंगे इस तरीके से, जैसे हम अभी तक सीधा फंदा बनता है। ये देखिए हमने सीधा बनाया, अब चार फंदे ये वाले बच रहे हैं, तो इन चारों फंदों को लीजिए, लेफ्ट नीडल से पहले दो फंदे आगे होल्ड कीजिए, राइट नीडल से बाद वाले दो फंदे पीछे लीजिए, तो आपको देखिए इस तरीके का पोजीशन दिखेगा। इसके बाद में राइट नीडल वाले दोनों फंदों को वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा दीजिए, फिर चारों फंदों को सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए ऐसे। ये देखिए तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर धागा आगे लाइए, देखिए अब धागा आगे लाए, दो फंदे हमने उल्टे बनाए, उल्टे फंदे दिखेंगे, धागा पीछे ले जाइए। अब देखिए तो देखिए रो सेवन में हमने इतना पोजीशन बना लिया, अब धागा हमने पीछे किया हुआ है, छह फंदे हम सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। धागा आगे लाइए, सेंटर वाला जो उल्टी उल्टा फंदा दिख रहा है इसको उल्टा ही बना दीजिए, फिर धागा पीछे कीजिए,
इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर जो हमें 6 फंदे दिख रहे हैं इन 6 फंदों को सीधा बनाना है। तो इस तरीके से सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए सेंटर का पोर्शन बना लिया हमने। अब देखिए धागा आगे लाइए, 2 फंदे जो हैं उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से केबल पैटर्न बनाने वाले हैं, तो उसके लिए 4 फंदे हम स्लिप करेंगे। पहले 2 फंदों को लेफ्ट नीडल पीछे ले जाकर होल्ड कर लीजिए, राइट नीडल से बाद वाले फंदे होल्ड कर लेंगे, वापस से राइट नीडल के जो फंदे हैं 2 उनको हम लेफ्ट में चढ़ा दीजिए, फिर इन 4 फंदों को सीधा बना दीजिए। तो देखिए अभी ऐसा दिख रहा है आपको। फिर 4 फंदे हम ये वाले स्लिप करेंगे, इसमें से लेफ्ट नीडल से आगे वाले 2 फंदे आगे नीडल लाकर चढ़ा लेंगे, राइट नीडल से बाद वाले 2 फंदे लेकर चढ़ा देंगे, और ऐसे देखिए फिर राइट वाले जो फंदे हैं दोनों उनको वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा लीजिए। फिर देखिए 1 2 3 4 इन 4 फंदों को सीधा बना दिया हमने। फिर धागा आगे लाइए, 2 फंदे उल्टे दिखेंगे उनको उल्टा बनाना है, और ये देखिए एज वाला फंदा सीधा। तो ये जो थी हमारी रो नंबर 7 थी, तो अब हम बनाएंगे रो नंबर 9। तो उसके लिए हमें चाहिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे आप उल्टे बनाइए जो उल्टे दिखेंगे, फ्रंट साइड में जो भी उल्टे फंदे दिख रहे हैं आप उल्टा ही बनाइए, धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 2 फंदे बनाने के बाद 8 फंदे ये हमने सीधे बना लिए, धागा आगे लाइए, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सेंटर पार्ट, तो 9th रो आप जब भी बनाएंगे तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। ये 9th रो वाला देखिए, यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास 6 फंदे यहाँ पे हैं, 6 फंदे यहाँ पे हैं, सेंटर में हमारे पास एक उल्टा फंदा है। तो जो पहले 6 फंदे हैं उसमें से हम 3 फंदे देखिए धागा पीछे करके 3 फंदे तो हम सीधे बना लेंगे, 2 3, ठीक है। अब 9th रो को आपको बनाने के लिए चाहिए होंगे केबल नीडल, अगर आपके पास हो तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप डबल पॉइंटेड नीडल या फिर कोई भी सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 फंदे हमने सीधे बना लिए थे, अब 3 फंदे हम वापस से इसमें देखिए नीडल में चढ़ा लेंगे, केबल नीडल है मेरे पास ये, इसको हम फ्रंट में होल्ड कर लेंगे। फिर देखिए जो उल्टा फंदा दिख रहा है यहाँ पर जो सेंटर में है, इस उल्टे फंदे को आप चढ़ा लीजिए किसी में, और इसको आपको पीछे होल्ड करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला है इसको मैंने आगे होल्ड किया, ये ब्लू वाला इसको पीछे होल्ड किया है। इसके बाद में बाद वाले जो 6 फंदे दिख रहे हैं 3 6, इन 3 6 में से फंदों में से 3 फंदे तो हम सीधे बनाएंगे ऐसे, 1 2 3, ये देखिए 3 फंदे सीधे बना लिए। अब आपको क्या करना है, जो उल्टा फंदा है उसको बनाना है, तो उसको देखिए हम बना ले रहे हैं, मैं बना रही हूँ इसको, वापस से इसी में चढ़ाकर देखिए धागा आगे लाइए, और उस फंदे को हम जो है उल्टा बना देंगे। तो देखिए लेफ्ट नीडल में वो उल्टा फंदा चढ़ा दिया और इसको उल्टा बना देंगे। आप धागा कीजिए पीछे। इसके बाद में ये जो फ्रंट में हमने 3 फंदे होल्ड किए हुए हैं इसको बनाना है, तो आप चाहें तो इसी से बना लीजिए, इसी में नीडल में रखते हुए, या फिर
वापस से चढ़ा दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको वापस से चढ़ा रही हूँ। आप इसको भी सीधा बना लेंगे, ये देखिए ये तीन फंदे सीधे बना लिए। और यहाँ पे देखिए तीन फंदे ही दिख रहे हैं, इनको भी सीधा बना देंगे। तो ये देखिए हमें सेंटर में इस तरह से देखिए दिखेगा ऐसे। अब क्या करना है, धागा आगे लाइए, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे ले जाइए। आठ फंदे हमें यहाँ पे देखिए, ये जो फंदे हैं इनको आठों को सीधा बनाना है ऐसे, ये देखिए आठ फंदे हमने सीधे बना लिए। धागा आगे लाइए, दो फंदे उल्टे बना लीजिए और थ्रेड पीछे ले जाके एज वाला फंदा सीधा। तो ये जो थी हमारी रो नंबर 9 थी, और पैटर्न हमारा इस तरीके से देखिए फॉर्म होना शुरू हुआ है। देखिए रो 11 बनाएंगे, तो उसके लिए पहला फंदा स्लिप कीजिए, दो फंदे उल्टे बनाइए, धागा पीछे कर लीजिए। अब ये जो आठ फंदे दिख रहे हैं हमें यहाँ पर केबल बनाना है, तो चार फंदे हम स्लिप किए करेंगे। ये देखिए चार फंदे स्लिप किए इस तरीके से। इसके बाद में देखिए क्या करना है, लेफ़्ट नीडल को आगे लाइए और पहले दो फंदे जो हैं वो लेफ़्ट नीडल में चढ़ा लीजिए, फिर राइट नीडल ले जाइए, राइट नीडल पीछे ले जाके बाद वाले दो फंदों को इस तरीके से आप चढ़ा लेंगे। वापस से आएंगे आगे और राइट नीडल के दोनों फंदों को लेफ़्ट में वापस चढ़ा देंगे, और फिर इन चारों फंदों को सीधा बना देंगे, ये देखिए ऐसे। यहाँ पे हमने सीधा बना दिया। तो देखिए अब क्या करना है, ये वाले चार फंदे स्लिप किए हमने। इसके बाद में देखिए इसमें क्या करना है, जो लेफ्ट नीडल है उससे पीछे से दो फंदे, ये देखिए जो पहले दो फंदे उनको लिया, और राइट नीडल से बाद वाले दो फंदे आप लिए, फिर राइट नीडल के फंदों को वापस से लेफ़्ट नीडल में हमने चढ़ा दिया। तो हमको ये इस तरीके से दिख रहा है। फिर इन चारों फंदों को हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे, देखिए ऐसे। फिर धागा आगे लाइए और जो दो फंदे दिख रहे हैं उनको आप उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे ले जाइए। और अब क्या करना है, देखिए जो हमने यहाँ पे सेंटर में रो नंबर 7 में किया था, सॉरी रो नंबर 9 में, तो उसमें देखिए आप छह फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे जैसे हम पहले करते आए थे, तो सेम करेंगे, छह फंदे सीधे, धागा आगे लाएंगे, जो उल्टा फंदा है आप उसको उल्टा बनाइए, धागा पीछे ले जाइए, फिर छह फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाते हुए इसको सेंटर पोर्शन को बना लेंगे। धागा आगे लाइए, दो फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बनाएंगे, आप यहाँ पर धागा पीछे कीजिए। फिर से यहाँ पे हम केबल बनाएंगे, तो उसके लिए चार फंदे स्लिप कीजिए, पहले दो फंदे हम आगे लेकर होल्ड कर लेंगे लेफ्ट नीडल से, बाद वाले राइट नीडल से, आप राइट वाले फंदों को लेफ्ट में चढ़ा के सीधा बना लेंगे ऐसे। इस तरीके से देखिए, अब अगेन इन चार फंदे जो बचे हैं इसमें केबल बनाना है। तो क्या करना है, पहले दो फंदे जो हैं लेफ्ट नीडल से पीछे कर लीजिए, बाद वाले दो फंदे राइट नीडल में, फिर राइट वाले फंदों को लेफ्ट में वापस चढ़ा दिया। अब इन चारों फंदों को सीधा बना दीजिए, ये देखिए ऐसा हो गया। धागा आगे लाइए, दो फंदे जो उल्टे हैं इनको उल्टा बनाएंगे, आप धागा पीछे ले जाइए और एज वाला फंदा सीधा। तो अभी तक ये हमने रो नंबर 11 बनाई है और पैटर्न हमारा ये है। देखिए रो 13, पहला फंदा स्लिप किया,
फिर जो दो फंदे दिख रहे हैं उनको दोनों को उल्टा बनाया, धागा पीछे कीजिए, आठ फंदे सीधे बनाइए, दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। तो इन आठ फंदों को हमने देखिए सीधा बनाया। फिर धागा आगे लाइए, दो फंदे जो हैं उल्टे बनाएंगे, आप धागा पीछे कीजिए और यहाँ पर देखिए क्या करना है, छः फंदे जो हैं इनको हमें स्लिप करना है इस तरीके से। देखिए स्लिप किया हमने, फिर पहले तीन फंदों को लेफ्ट नेडल से पीछे होल्ड कर लीजिए और बाद वाले जो तीन फंदे हैं उनको राइट नेडल से आगे होल्ड देखिए हमने किया है। फिर राइट वाले फंदों को आप लेफ्ट नेडल में वापस से चढ़ा दीजिए। देखिए ये हो गया हमारा। अब इन छह फंदों को सीधा बनाकर कंप्लीट कर दीजिए ऐसे। ये देखिए हो गया हमारा। धागा आगे लाइए, जो उल्टा फंदा दिख रहा है उल्टा बनाएंगे, धागा आप पीछे कर लीजिए। तो पहले हमने क्या किया था कि जो केबल हमने यहाँ पर बनाई है उसको पीछे होल्ड किया था, तो इस बार हम छह फंदे स्लिप करेंगे, पहले तीन फंदों को आगे होल्ड करेंगे लेफ्ट नीडल से और बाद वाले जो तीन फंदे हैं उनको राइट नीडल की हेल्प से पीछे लिया। फिर राइट से इन फंदों को देखिए वापस से हमने केबल नीडल में चढ़ा दिया। फिर ये जो छह फंदे हैं केबल वाले इनको छह फंदों को देखिए सीधा बना दिया इस तरीके से। तो हमें देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिख रहा है। अब दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे कीजिए, फिर ये देखिए जो यहाँ पे हमने पहले केबल बनाई थी इनको आठ फंदे हैं यहाँ पर, इन आठों को सीधा बनाएंगे। ये देखिए आठ हमने सीधे बना लिए फंदे, धागा आगे लाइए। अब ये जो दो फंदे यहाँ पर हैं उल्टे हैं इनको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे कीजिए और एज वाला फंदा सीधा। तो ये हमारी थी रो नंबर 13। देखिए रो 15 बनाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप किया, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए क्या करना है, धागा पीछे किया, यहाँ पर हमें केबल बनाना है, तो चार फंदे हमने स्लिप किए ऐसे देखिए। फिर पहले दो फंदे हमने लेफ्ट नीडल में आगे लाकर होल्ड किए, बाद वाले दो फंदे राइट नीडल में, ये पोजीशन है हमारे पास। फिर राइट वाले फंदों को लेफ्ट में ही चढ़ा दीजिए और सीधा बुन दीजिए ऐसे। ये हमने इनको सीधा बुन दिया है। फिर ये चार फंदे बचे हैं इनमें केबल बनाना है, तो चारों को स्लिप किया, पहले दो फंदे पीछे ले जाकर नेडल होल्ड कर लीजिए। अब राइट नेडल से ये देखिए इस तरीके से वापस से चढ़ा दीजिए, फिर सीधा बना देंगे चारों फंदों को। धागा आगे लाइए, तो देखिए यहाँ पे हमने अभी जो केबल बनाया है ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है। ये धागा आगे लाइए, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे कर लीजिए और छह फंदे सीधे, दो तीन चार पाँच और ये छः। धागा आगे लाइए, एक फंदा उल्टा बनाइए जैसे हम हमेशा से उल्टा बनाते आ रहे हैं, फिर छः फंदे सीधे बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए सेंटर के हमने ये वाले फंदे बना लिए, धागा आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, आप धागा पीछे कर लीजिए, केबल बनाना है हमको यहाँ पे। तो क्या करना है देखिए, पहले चार फंदे स्लिप किए, इसके बाद में ये जो दो फंदे दिख रहे हैं पहले वाले, लेफ्ट नीडल को आगे लाइए,
दोनों फंदों को इस तरीके से होल्ड करके आगे रखिए। फिर राइट नीडल से बाद वाले जो दो फंदे हैं उनको होल्ड किया, तो हमें ये इस तरीके से देखिए दिख रहा है। फिर राइट वाले फंदों को हम चढ़ा देंगे लेफ्ट नीडल में और इन चारों फंदों को सीधा बना देंगे। देखिए, दो, तीन और ये चार। अगेन इन चार फंदों में केबल बनाना है तो क्या करना है, देखिए चारों को स्लिप किया। फिर लेफ्ट नीडल से पहले दो फंदे जो हैं इसको पीछे ले जाकर होल्ड कर लेंगे और राइट नीडल से बाद वाले फंदे, ये पोजीशन आएगा हमारे पास। फिर लेफ्ट वाले फंदे जो हैं उनको, सॉरी राइट वाले फंदे लेफ्ट में चढ़ा के चारों फंदों को सीधा बना दीजिए। इसे ये देखिए, धागा आगे लाइए और दो फंदे उल्टे बना दीजिए। अब धागा पीछे लीजिए, एज वाला फंदा सीधा बना दीजिए। तो देखिए, ये हमारी जो थी रो नंबर 15 थी और पैटर्न हमारा इस तरीके से दिखेगा, तो इसकी हम रो नंबर 16 भी बना लेंगे। तो देखिए, ये पैटर्न हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले समय में नए नए वीडियोज़ मिलते सकें, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।